चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। भारत अपनी जरूरत के खाद्य तेल का एक बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। हालांकि बीते दिनों खाद्य तेल के आयात से जुड़ी कई परेशानियां सामने आई हैं। ऐसे में अब भारत खाद्य तेल आयात करने के लिए नए बाजारों की तलाश में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी जानकारी दी है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के बाद खाद्य तेलों के आयात के लिए भारत नए बाजारों की तलाश पर विचार कर रहा है। उनके अनुसार संघर्ष के कारण देश खाद्य तेलों के आयात पर विभिन्न बाधाओं का सामना कर रहा था। साथ ही उन्होंने कहा, सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वहीं तेल आयात करने के मामले में कई बाधाएं हैं। आप जानते हैं कि हम खाद्य तेल का आयात नहीं कर पा रहे हैं, हमें सूरजमुखी का तेल मिल रहा है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, अब हम कई अन्य बाजारों से खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं और नए बाजारों पर भी विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण उद्योगपतियों के लिए भी भारत से निर्यात के लिए उन बाजारों का अवसर पैदा हुआ है। साथ ही उनका ये भी कहना है, इससे पहले वे कुछ बाजारों में निर्यात कर रहे थे, अब वे निर्यात नहीं कर रहे हैं, हमें उन देशों को निर्यात करने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि यह चुनौती में अवसरों को देखना चाहिए और केंद्र सरकार हमेशा अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा। वहीं बता दें कि इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। कच्चा सोयाबीन तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है, जबकि कच्चा सूरजमुखी तेल यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताकि इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।